हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पॉलिटी के। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान के भाग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का ये सारा क्वेश्चन लिया गया है। इससे पहले जो भी जिस भी चैप्टर पे मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन, जिस भी चैप्टर का लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट लिंक भी, तो आप वहाँ से सारे वीडियोस देख लेना अगर अब तक नहीं देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान के भाग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मूल संविधान जब बना था तो मूल संविधान में जो थे वो 22 भाग थे। अब संशोधन करके टोटल इसमें भागों को ऐड किया गया है और अब कुल 25 भाग हैं। ठीक है, तो 22 नहीं है, 25 है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, मैं ये भी जैसे कि भाग 1, 2, 3 ऐसे करके 22 तक है, लेकिन संशोधन करके बीच में ऐड किया गया है 4A, 9A वैसे करके, तो टोटल 25 है। ओके, नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो भाग 20 में किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान को किस भाग में सम्मिलित किया गया है? तो ये भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो आर्टिकल 370 में अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी प्रावधान है जो कि संविधान के 22 भाग 21 में सम्मिलित किया गया है। अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान भाग 21 में है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पंचायती राज का उल्लेख हमने पढ़ा इस क्वेश्चन में ही पढ़ा कि पंचायती राज का जो प्रावधान है वो किया गया है भाग 9 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से कौन सा भाग जो है वो संबंधित है? तो भाग 9 का ए, भाग 9 के ए में नगर पालिका का जिक्र किया गया है, इसको सम्मिलित किया गया है भाग 9 के ए में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। भाग 1 में जो है वर्णन किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 1 के तहत आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार का जो प्रावधान है ये भाग 3 में दिया गया है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सबको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है। मूल कर्तव्यों का विवरण किस भाग में है? तो देखिए, मौलिक अधिकार का जो विवरण किया गया है वो तो भाग 3 में है। यहाँ है कि मूल कर्तव्य का प्रावधान, तो मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वो भाग 4 के क में है। मैंने अभी बताया कि 22 भाग जो है टोटल, कुछ लोग अगर समझ में नहीं आया है तो वो टोटल 22 भाग थे, लेकिन उसमें प्रावधान करके जोड़ा गया। जैसे कि देखिए, यहाँ भाग 4 में संशोधन करके क जोड़ा गया, भाग 4 का क। ठीक है, तो यहाँ एक बढ़ा, तो ऐसे टोटल 25 भाग हैं। इसको एकदम याद रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 22 ही उनको पता है, तो 22 नहीं है, 25 है। तो देखिए, यहाँ भाग 4 में क जोड़ा गया था संशोधन करके, और उसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और भाग 4 के क में। तो मौलिक कर्तव्य का विवरण कहाँ है? भाग 4 के क में है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। भाग 8 जो है ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई। संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है ये संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में की गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का जो उल्लेख है वो भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक।
नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो संविधान का जो भाग 9 है ये हमने पढ़ा पहले भी, पंचायत से संबंधित है। भाग आठ में संघ क्षेत्रों के बारे में बताया गया है और भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का प्रावधान है और देखिए 9 के ए में नगर पालिका का प्रावधान है। तो आप देख रहे हैं 9 में ए जोड़ा गया है, 4 में ए जोड़ा गया है, ठीक है। तो यही सब ऐड करके टोटल 25 है, ये याद रखना। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के एमसीक्यूज हैं। तो इससे पहले जो भी वीडियोस हैं आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट लिंक डाला हुआ है, वहाँ से देख लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।